क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी फोर वेक्टर्स हैं, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, और हमें चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि ये वेक्टर बी है और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्यू है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड भी एक्स के इक्वल है और वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड भी एक्स के इक्वल है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट टू एक्स के इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल दोनों 45 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो बाइसेक्टर के अलोंग होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि यहां पर वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पर जो पैरेललोग्राम बनेगा वो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर का जो डायगनल है वो रूट टू एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ऑप्शन ए पे। तो यहां पर हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी को फाइंड आउट करना है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर डी है, और ये तीनों एंगल 45 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी फाइंड आउट करना है। तो ये वेक्टर सी है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा वेक्टर माइनस सी। ठीक है, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर सी का जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। अब हम क्या करते हैं कि चारों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स के इक्वल मान लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर माइनस सी का मैग्नीट्यूड भी एक्स के इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी एक्स के इक्वल है और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये वाला जो है रिजल्टेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड रूट टू एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट टू एक्स के इक्वल है और यहां पर वेक्टर डी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स के इक्वल है, और हम देख सकते हैं कि ये एंगल 45 है और ये वाला एंगल 45 है, मतलब वेक्टर डी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड एक्स के इक्वल है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड रूट टू एक्स के इक्वल है, तो अगर हम वेक्टर डी में रूट टू से इंटू कर देते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम वेक्टर डी का डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं तो ये जो है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर डी में रूट टू से मल्टीप्लाई करके इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर डी के इक्वल कर दिया। ठीक है, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर रूट टू डी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करके हमने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, मतलब ये वाला जो वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे सेम। तो हम यह देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है,
वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस रूट टू वेक्टर डी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी में हमें वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी को फाइंड आउट करना है, तो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर डी है, तो अगेन वेक्टर बी और वेक्टर डी दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगेन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर सी के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी अगेन विल बी इक्वल टू रूट टू एक्स। ठीक है, क्योंकि वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड एक्स है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी एक्स है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी, इसका मैग्नीट्यूड रूट टू एक्स के इक्वल हो जाएगा, जैसे यहां हुआ था। ठीक है, और यहां पर वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी और वेक्टर सी दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड एक्स के इक्वल है और वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड रूट टू एक्स के इक्वल है, तो अगर हम वेक्टर सी में रूट टू से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, मतलब रूट टू टाइम्स वेक्टर सी मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन टू भी करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सी पर, तो ऑप्शन सी में वेक्टर बी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर डी, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है क्योंकि यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर डी दोनों इक्वल नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन डी पे आते हैं, तो यहां पर हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी को फाइंड आउट करना है, तो अगेन ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी है, दोनों का मैग्नीट्यूड एक्स के इक्वल है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगेन इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगेन रूट टू एक्स के इक्वल होगा, तो हम यहां भी देख सकते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी दोनों सेम डायरेक्शन में है, बी का मैग्नीट्यूड एक्स के इक्वल है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड रूट टू एक्स के इक्वल है, तो अगेन हम वेक्टर बी में रूट टू से इंटू कर देते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा और दोनों का डायरेक्शन ऑलरेडी सेम है तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन डी भी करेक्ट है, क्योंकि रूट टू से अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डिवाइड बाई रूट टू, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट है और ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है। थैंक यू।